दल्ली राजा शाहिद हॉस्पिटल जो बनाया गया है ये मजदूरों के प्रयास से बना है। इसके बारे में मैं काफी दिनों से जानती थी और वहां जाकर देखी भी थी। इसमें काफी मजदूरों ने जो है उसको भाग लिया, 108 मजदूरों का एक टीम बना और उसी टीम जो है आज भी काम करता है। लेकिन कई सारा मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने रात दिन इसमें काम किया और उन्होंने अस्पताल से ना कोई तनख्वाह लिया ना कुछ लिया। उन्होंने गांव-गांव में जाके मजदूरों को समझाया, किसानों को बीच में भी समझाया, क्योंकि ये मजदूर का और से किसानों के लिए एक तोहफा है और उनको सही इलाज के लिए जो है। 5/9/1980 में ये शहीद अस्पताल का शिलान्यास हुआ। बनते बनते 1983 में उद्घाटन हुआ। उसमें किसान हलाल खोर और मजदूर लहर सिंह इसका उद्घाटन किया। यहाँ नीचे में हमारे एक ही वार्ड था, वो एक ही वार्ड में हम लोग सभी की इलाज करते थे। ऐसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो शहीद अस्पताल प्रसूति भवन के नाम से बना, लेकिन यहाँ हर तरह के बीमार व्यक्ति आने लगा। धीरे धीरे हम लोग को सोचना पड़ा कि ये अस्पताल छोटा हो रहा है, हम लोग आउटडोर करेंगे कि इंडोर करेंगे, दोनों में दिक्कत हो रहा है। फिर हम लोग दूसरा मंजिल बनाया। डॉक्टर की व्यवस्था कैसी हुई? डॉक्टर की व्यवस्था के लिए हम लोग एक गाड़ी का व्यवस्था किया। हम लोग उस समय 10,000 मजदूर थे। 10,000 मजदूर सिर्फ गाड़ी के नाम से 10-10 रुपया चंदा किया और एक ट्रांसपोर्ट लिया। उस समय उसका नंबर 92-91 था। वो माइस में चला और माइस में चलने के बाद जो पैसा यहाँ आता था उसमें डॉक्टर लोगों का पेमेंट होता था। आज 250-300 के आसपास आउटडोर में पेशेंट आता है, लेकिन उसमें भी एक बहुत अच्छा बात है कि जब वो पेशेंट आता है तो हम लोग निःशुल्क पर्ची बनाते हैं। डॉक्टर का देखने का कोई फीस नहीं है। जो कुछ लगता है अब जो भर्ती होता है उसी के लिए 5-5 रुपया हमारा बेड चार्ज अभी भी है, 20 रुपया ट्रीटमेंट चार्ज है, और यदि जो कुछ दवाई लगता है तो दवाई के प्राइस के आधार पर जो MRP रेट से भी हम लोग हमारा रेट कम है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।